सो हेलो गाइज, वेलकम टू राहुल रमोला व्लॉग्स वंस अगेन। तो गाइज अभी मैं मतलब लेंस डाउन में हूँ एंड नाउ आज का जो दिन है मैं डिसाइड किया है कि मतलब हम घूमेंगे यहाँ पे, एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे जो प्लेसेस हैं। बट दिक्कत ये ना कि जो मैं आया था, जब मैं आया था मॉर्निंग में, तो उस टाइम पे बारिश नहीं थी। और प्रॉब्लम ये भी है कि मतलब अभी है ना फॉग हो गया सारी जगह, बारिश आई है दबा के पूरे दिन भर। एंड अब जाके शाम के 5 बजे मौसम खुला हुआ है, बट आसपास के जो पहाड़ थे ना वो दिख नहीं रही हैं, सब मतलब फॉगी सा मौसम हो गया है। सो गाइज अभी मैं तैयार तो हो ही चुका हूँ, मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए, अब नहा चुका हूँ, सो नींद पूरी कर ली है, सब कुछ हो गया है। तो अभी मतलब चलते हैं मार्केट, एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करते हैं। सो अभी मैं बाहर आ गया हूँ मार्केट एरिया में, तो दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा है मतलब आसपास का एरिया, मेन मार्केट जो मेन चौक है यहाँ पे वो कैसा है, लेट मी शो यू। गाइज ये है लेंस डाउन मेन मार्केट एरिया, यहाँ पे छोटा सा मतलब पार्क है, यहाँ पे जो बीच रोड में है ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। एंड यहाँ पे आपको होटल्स एंड रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा। तो आसपास यहाँ पे मार्केट वगैरह बहुत है, नीचे भी जाओगे तो आप मार्केट मिल जाएगा। बस दिल इसलिए दुख रहा है कि मौसम, सामने के पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, एकदम धुंध मतलब ब्लैंक हो गया है। मज़ा बहुत आ रहा है, मौसम बहुत ठंडा हो रखा है एकदम, मतलब मज़ा आ गया, समा बांध दिया। बट स्टिल ये था कि ब्लॉग में थोड़ा सा नज़ारे दिखाऊं कि आसपास कैसे नज़ारे। तो भाई आज यही है जो है। गाइज वहाँ नीचे मार्केट एरिया था, मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ। ये यहाँ पे जो कॉमन पार्किंग एरिया है, फ्री पार्किंग है, ये ग्राउंड है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी यहीं पार्क की है क्योंकि डेफिनेटली मेरे मार्केट एरिया में मतलब पार्किंग मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप मेन रोड पे पार्किंग लेते हो तो चार्जेबल है अराउंड 35, बट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। वो जो गाड़ी दिख रही है आपको हल्की सी वहाँ पे सामने, तो उस गाड़ी के सामने मेन रोड है, तो इतने डिस्टेंस में आना इट्स नॉट अ बिग डील। सो गाइज पार्किंग से ठीक ऊपर आते ही आपको यहाँ पे यहाँ का पुराना सिनेमा हॉल मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आप मतलब मुझे नहीं पता किस टाइप की मूवीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है, बट इस सिनेमा हॉल का नाम है अग्रवाल सिनेप्लेक्स। तो गाइज सिनेमा हॉल मतलब बेसिक सा है, अंदर आते ही मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये सीटिंग एरिया है बस इतना सा ही है एंड सामने स्क्रीन है, और कुछ इस तरीके का यहाँ का सिनेमा हॉल है। बट हाँ पहाड़ों में है वो अच्छी बात है। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ मार्केट एरिया की तरफ एंड यहाँ से इधर जाएंगे तो वहाँ से आर्मी एरिया शुरू हो जाता है, मतलब जो परेड ग्राउंड वगैरह है वहाँ पे, म्यूजियम है इस साइड में। इस साइड अगर मैं जाता हूँ तो इस साइड के लिए मेरे को भुल्ला ताल या टिपिन टॉप के तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, मेरे पीछे जो एरिया है इस साइड का, इस रोड से भी आप जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। तो
सो गाइज यहाँ पे मैं टिफिन टॉप रोड पे हूँ अभी एंड सामने है यहाँ का चर्च, काफी फेमस चर्च है। सो गाइज ये सामने यहाँ का चर्च एंड यहाँ पे मतलब काफी अच्छा व्यू आ रहा है, क्या प्यारी सी लाइटनिंग है यहाँ पे। सो उस साइड के लिए है हमारा लेंस राउंड का मार्केट, हमें जाना है आगे की तरफ थोड़ा सा टिफिन टॉप, बट व्यू तो मिलेगा नहीं, जस्ट देख के आते हैं। बाकी अगर नहीं मिलेगा व्यू तो नेक्स्ट एपिसोड तक, शायद कल सुबह मिल जाए। सो गाइज करेंटली मैं पहुंच गया हूँ टिफिन टॉप पॉइंट के आसपास, बट व्यू की कोई उम्मीद नहीं है, बारिश बहुत तेज हो गई है थोड़ा सा एंड मौसम बहुत सही हो रहा है। सो गाइज ये है यहाँ का फेमस टिफिन टॉप एरिया, थोड़ा आगे जाके यहाँ पे व्यू पॉइंट भी है, लेकिन आज तो व्यू मिलेगा नहीं एंड कोशिश करूँगा कि कल मिल जाए सुबह। तो अभी के लिए ये जो भी नज़ारे हैं, मौसम है, एंजॉय करो। गाइज आप देख सकते हैं बारिश की आवाज़ आ भी रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आगे सामने टिफिन टॉप पॉइंट है। ये नीचे आपको जो कुछ एक आधा व्यू मिल रहा है, छोटे छोटे गांव और आगे एकदम ब्लैंक है, एकदम वाइट। तो भाई मौसम ने समा बांध दिया यहाँ का, आज मज़ा आ गया। बस कल की दिक्कत है, कल रोड ब्लॉक ना। और ये है कि मतलब कहीं कहीं मतलब हम जहाँ पे पानी नहीं भी मतलब निकलता वहाँ से भी पानी निकल रहा है अभी, मज़ा ही है मौसम में, मज़ा बांध रखा है। तो गाइस यहाँ पे देखो आप इतना बड़ा एक मिग एयरक्राफ्ट है। तो ये मिग एयरक्राफ्ट है और यहाँ के पार्क में लगा हुआ है। सो आई थिंक ये मतलब यहाँ पे डमी मॉडल जो लगा हुआ है। सामने म्यूजियम का रास्ता है, लेकिन बारिश देख रहे हो कितनी हो रही है, मतलब मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन अभी दिखा नहीं सकता, जा नहीं सकता पार्क में। कल शायद सुबह ट्राई करूँगा। गाड़ी भी देखो कितनी भीग गई है। अब चलो शीशा बंद करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मार्केट की तरफ। आज के लिए लगता नहीं है ज़्यादा मैं शूट कर पाऊँगा। गाइज ये देखो झरना भाई बीच रोड में है, क्या मज़ेदार है। बीच रोड में ये बगल में सीढ़ियाँ हैं, ऊपर ग्राउंड है और ये ग्राउंड के बगल से एकदम मतलब हैवी फ्लो निकल रहा है, बहुत ही सही लग रहा है भाई ये। और सामने हमारा चौक है, मेन चौक है। सबसे बढ़िया बात होता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब भीड़ नहीं है ज़्यादा और पब्लिक कम होने की वजह से मतलब मज़ा ज़्यादा आ रहा है। अभी तक देखा आपने शोर देखा था झरने का, कितना हैवी शोर था। ये देखो शीशा बंद करते ही थोड़ा सा मेरी वॉइस आपको अच्छे से आ जाएगी। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो इस सामने जो है ये जहाँ पे लोग आ रहे हैं वहाँ पे परेड ग्राउंड है आर्मी का, ये पूरा कैंट एरिया है, यहाँ वैसे शूटिंग अलाउड नहीं होती है। अभी बारिश है तो कोई आसपास रोड पे है नहीं, तो कर लेते हैं और यहाँ से हम लेते हैं यू टर्न मार्केट एरिया के लिए वापस। गाइस जैसे ही मैं चौक से आगे बढ़ा यहाँ पे एकदम मस्त एक पानी मतलब नेचुरल लेक है, पानी भरा हुआ है बहुत तगड़ा, पहले नहीं होता था, सूख जाता है, लेकिन शायद बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी बढ़ जाता है तो एकदम अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे। आप थोड़ा सा क्लियरली दिखाता हूँ मैं आपको। तो काइंड ऑफ अ मिनी लेक है ये मार्केट से जस्ट पहले, और एक आगे आएगा बुल्लाताल, शायद मैं आज नहीं दिखा पाऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे एंड होपफुली कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल मौसम खुल जाए।
मतलब अपने कपड़े चेंज कर दिए एंड अभी मतलब थोड़ा सा खाना पीना खा के अब सो जाते हैं, फिर होपफुली अगर कल मौसम खुल गया तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा पाऊँगा लेंस राउंड के जो एक्चुअल नज़ारे हैं, जो दिखता है वो मैं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मौसम ऐसा है कि सारी जगह कोहरा ही कोहरा है तो हम कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। सो अगेन जो मेरे चैनल पे नए हैं व्यूअर्स, प्लीज़ मेरी पुरानी प्लेलिस्ट को जाके विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन दबाओ एंड कीप वॉचिंग राहुल रमोला ब्लॉग्स।